भारतीय शेयर बाजार में पिछले सप्ताह तेजी देखने को मिली थी। पिछले सप्ताह आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को आईटी कंपनियों यानी टीसीएस और इन्फोसिस के शानदार तिमाही नतीजों से बाजार में बम्पर उछाल देखा गया था। बाजार में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की थी। इस दौरान सेंसेक्स करीब 850 अंक की छलांग लगाकर अब तक के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। निफ्टी भी नए रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ था। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक यानी सेंसेक्स 847.27 अंक यानी 1.18% उछलकर 72,568 के नए शिखर पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 247.35 अंक यानी 1.14% उछलकर 21,894.55 के लेवल पर क्लोज हुआ था। अब अगला हफ्ता कैसा रहेगा यानी किन किन फैक्टर्स पर बाजार की दशा और दिशा तय होगी, ये जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगले हफ्ते 200 कंपनियां अपने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी करेंगे। बाजार रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, LNTI, Mindtree, इंडसन बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर नजर रखेगा। अब आइए घरेलू फैक्टर्स पर। दिसंबर के लिए थोक महंगाई के आंकड़े 15 जनवरी को जारी किए जाएंगे। 15 जनवरी को ही दिसंबर महीने के लिए पैसेंजर व्हीकल सेल्स और ट्रेड बैलेंस का डाटा आएगा और तो और विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा भी 19 जनवरी को जारी किया जाएगा। लाल सागर वाला मामला भी क्या है ये भी जान लीजिए। लाल सागर शिपिंग पर ईरान सहयोगी हूती विद्रोहियों के हमलों के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 11 जनवरी को यमन में हूती विद्रोहियों पर कई हवाई हमले किए। इससे मध्य पूर्व में तनाव और अधिक बढ़ गया जो पिछले साल अक्टूबर में इसराइल हमास युद्ध के बाद से शुरू हुआ था। तो बाजार और खासकर वैश्विक निवेशक लाल सागर के साथ साथ भू राजनीतिक तनाव पर भी करीब से नजर रखेंगे। अब आइए तेल के खेल पर। यमन में हूती नियंत्रित क्षेत्रों में अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमलों के बाद लाल सागर क्षेत्र में तनाव और बढ़ने के साथ साथ सारा ध्यान तेल की कीमतों पर रहेगा। बता दें ब्रेंट क्रूड वायदा पिछले शुक्रवार को इंट्राडे में $80 प्रति बैरल को पार कर गया और $78.29 प्रति बैरल पर पहुंच गया था, लेकिन ये अभी भी सप्ताह के निचले स्तर यानी $75.26 के ऊपर बना हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव तेल की कीमतों को सपोर्ट देता रहेगा। FIIs का फ्लोज कैसा है ये भी जान लीजिए। FII के रुख से भी बाजार की चाल प्रभावित हो सकती है। लगातार लिवाली यानी खरीदारी कर रहे FPI पिछले सप्ताह बिकवाल रहे। बीते सप्ताह के दौरान FPI ने भारतीय बाजार में इक्विटी की 2,477 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs ने बीते सप्ताह 6,858 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। प्राइमरी मार्केट का भी क्या अपडेट है ये भी जान लीजिए। आने वाले सप्ताह में प्राइमरी मार्केट की गतिविधियों में थोड़ी तेजी दिखेगी। मेन बोर्ड सेगमेंट में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज अपना 1,172 करोड़ रुपए का IPO ला रही है। ये IPO 15 जनवरी को खुलेगा। इसके लिए प्राइस बैंड 397 रुपये से लेकर 418 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं ज्योति CNC ऑटोमेशन की शेयर बाजार में लिस्टिंग 16 जनवरी को होगी। SME सेगमेंट में मैक्स पोजर का IPO 15 जनवरी को खुलेगा और 17 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स, ईपैक ड्यूरेबल के इशू भी 19 जनवरी को खुलेंगे। जाते जाते बाजार पर टेक्निकल व्यू भी ले लीजिए। एक्सपर्ट के मुताबिक निफ्टी इंडेक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है। इसने डेली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट दिया है। ये 21,800 के लेवल को पार कर गया है। इससे आने वाले समय में निफ्टी में 22,000 और 22,200 के संभावित टारगेट देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में ये ब्रेकआउट तेजी का संकेत दे रहा है। निफ्टी के लिए नीचे का सपोर्ट 21,700 के करीब दिख रहा है। अब हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम बातों से आपको रूबरू करा दिया है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।